जो है पकड़वाई भी आपने तमाम जो है पार्षदों को भी यहाँ पर आना था, चार साल पूरे हो गए, लेकिन पार्षद जो है केवल कुछ ही पार्षद नजर आ रहे हैं, बाकी पार्षद क्यों नहीं आए? और सीनियर डिप्टी मेयर यहाँ पर मौजूद है लेकिन डिप्टी मेयर जो है वो भी नजर नहीं आया, ऐसा क्यों? डिप्टी मेयर साहब से पूछो आप, हम कोई बाहर ऐसा कोई। और बाकी पार्षद क्या कोई नाराज है या किस वजह से नजर नहीं आ रहे? बैठे अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बनाई है, पहले से प्लान नहीं थी। आप देखेंगे आपको भी सूचना 12 बजे के बाद ही मिली होगी। कहाँ पर? देखिए यासी कंपनी का हमारे हाउस ने प्रस्ताव पास किया कि इस कंपनी का जो है सर्वे जो है पूरी तरह से हमारे हाउस को संतुष्टि नहीं थी, और हमने प्रस्ताव पास करके प्रदेश सरकार को भेजा था कि भी इसका जो है सर्वे लागू ना किया जाए और इसको जो है दोबारा इस पर संज्ञान लिया जाए, प्रत्येक घर में दोबारा जाए और दोबारा से सर्वे इसका हो, और उसी पर हमारा जो हाउस जो है वो ठीक है, लेकिन ये लागू कर दिया गया। इसमें जो कमियां थी, बल्कि हमारा तो सारा निगम का प्रशासन भी ये ठीक करने में लगा हुआ है, और जो कि ये कंपनी से कराना चाहिए था, इस पर हम सभी सहमत हैं कि कंपनी जो है ठीक नहीं। सर, आज से 4 साल पहले आपने सिटी बिग न्यूज पर एक बयान दिया था जब आप मेयर बनने की दौड़ में शामिल हुए कि मैं अपना मेयर बनना तब तक सफल नहीं मानूंगा जब तक चंडीगढ़ के लोग हिसाब को देख के ये ना कहें कि हमारा शहर ऐसा होना चाहिए। आज तक चंडीगढ़ के लोग पूछ रहे हैं सर हिसाब में। चंडीगढ़ वाला बयान तो नहीं दिया मेरे शब्द, ये सर मेरे पास मैं शब्द बता देता हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो है चंडीगढ़ तो प्लैंड सिटी है, लेकिन हम अपना शहर हिसार को हिसार स्वच्छ रूप से बना सके, इसके लिए मैं जरूर कई बार बयान दिया है। लेकिन अब आप कह रहे हैं तो मैं एक बार देख लूंगा कि मैंने तो कभी ऐसा बयान मुझे याद दिया था, मैं ऐसा कोई बयान नहीं दूंगा। हिसार को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए हम सब है और वो सर आपने कहा था कि इसार जो है पशु मुक्त होगा, लेकिन आज भी इतने प्रयास होने के बाद गो अभ्यारण भी आ चुका है, लेकिन अभी तक भी जो है पशु मुक्त आवारा बेसारा पशु मुक्त जो है वो अभी तक शहर नहीं हुआ, क्या कारण है और इसको कब तक दूर किया जाएगा? जी, मैंने आपको पहले इसको भी विस्तार से बता चुका हूँ कि पशु मुक्त शहर के लिए हमारा जो प्रयास है पूरे हरियाणा में प्रयास जो है इसार के अंदर मैं मानता हूँ सफलतापूर्वक तो किया जा रहा है। सारा कुछ ही नगर निगम इसमें कर रहा है जी, गाड़ियां भी अपनी ली हैं, गौशाला भी अपनी है और शहरवासियों का सहयोग उन्हें मिल रहा है और निरंतर जारी है। और आप तो जिस क्षेत्र से हैं उस क्षेत्र में होकर मैंने खुद वहां के जो है पशु जो है तो पकड़वाए भी हैं और आपने सहयोग बहुत किया, और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप पड़ाव क्षेत्र से हैं और वहां पर जो अवैध रूप से भाड़े भी हमने चिन्हित कर मुकदमा दर्ज करवाने का काम भी अभी आप देखेंगे 3 के खिलाफ हमने, एक ऋषि नगर में और एक पड़ाव क्षेत्र में और एक वार्ड नंबर 7 मिलीगढ़ क्षेत्र में हमने जो है मुकदमा दर्ज कराने का काम, जो पशु क्रूरता का एक्ट जो लगवाने का काम भी हमने किया है, और उसके लिए पुलिस प्रशासन का भी मैं सहयोग का धन्यवाद करता हूँ जो उसमें हमारा पूरा सहयोग कर रहा है। और ये समस्याएं जो है ना ये पशुओं की और ये जो आज से नहीं है, पूरे कई वर्षों से है। मैं भी इसी शहर में पला हूँ, पैदा हुआ हूँ, बड़ा हुआ हूँ और ये इस काम के लिए पहले पार्षद भी रहा हूँ मैं। जितना काम मैं कहता हूँ इस 4 साल में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। इस 4 साल में मैं खाली बात नहीं कर रहा, आप जाकर डंडोर गौशाला में जा भी देख भी सकते हैं कि कैसे वहां पर काम हुआ है और कैसे वहां पर लोगों की सेवा की जा रही है, नदियों की सेवा की जा रही है, और इसके लिए पूरा शहरवासियों का सहयोग भी मिल भी रहा है। मैं आपके माध्यम से आगे भी ये उम्मीद रखूंगा कि इससे और बढ़ चढ़ कर सहयोग वहां मिलेगा। पूरे शहरवासी जन्म दिवस भी अपने वहां मनाए और पुण्यतिथि पर भी आप जो है चार काम कर सकते हैं। तो ऐसा सहयोग हमें जो शहरवासियों का मिलेगा तो ये शहर जो है पशु मुक्त जरूर होगा। और हरा चारा भी मैं जनता से भी अनुरोध करूंगा कि सड़कों पर न डाले, आप जो सेवा करनी है डंडोर में जाकर कर सकते हैं। सर, ऐसा सुनने में मिला है कि डंडोर गौशाला जो है किसी संस्था जो है उसकी मैनेजमेंट देख रही है, किसी संस्था ने उसे गोद दिया है, तो क्या नगर निगम या उससे जुड़ी हुई टीमें सक्षम नहीं थी डंडोर गौशाला को संभालने के लिए? देखिए आप खुद समझदार हैं कि कितने हमारे शहर में पशु हैं
और उसके लिए एक हमने व्यवस्था रहने की कर दी, डेली खाने के लिए, देखभाल के लिए कुछ साधन चाहिए थे। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि हमें ऐसी संस्था मिली और ऐसा काम हिसार के अंदर ही हो रहा है। पूरे देश में एक उदाहरण बनेगा हिसार कि नगर निगम भी उसके 30% पशु के हिसाब से दे रहा है और संस्थाएं भी वहां अच्छे से सेवा कर रही है। शहर को जोड़ने का जो काम जो है नगर निगम ने किया है, और आप लोगों का तो प्रदार पॉजिटिव होना चाहिए इस विषय पर, ताकि जो है हम इस समस्या पर आप लोगों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं। जी, आपने अभी बताया कि आप बहुत प्रयास कर रहे हैं और काबिले तारीफ प्रयास है, हम बहुत बार दिखाने की कोशिश भी करते हैं, लगातार सड़कों पे आप खड़े रहते हैं, लेकिन एक सवाल ये जरूर पूछना चाहूंगी कि अंतिम परिणाम पशु मुक्त, आवारा पशु मुक्त हिसार क्या हम देख सकते हैं आपके कार्यकाल के अंदर? देखिए, कभी भी प्रयास जो है हमेशा सफल होते हैं, और मैं मानता हूँ जितना प्रयास हम सब मिलकर करेंगे, हमारा जो अभियान है निरंतर जारी रहेगा जब तक पशु मुक्त शहर नहीं हो जाता। इसके लिए जो है हम सख्त कार्रवाई भी कर रहे हैं, मुकदमे भी दर्ज करा रहे हैं, और ऐसे हमारे शहर में जो असामाजिक तत्व हैं वो सलाखों के पीछे जाएं, इसके लिए हम संकल्परत हैं।